गाइस वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में बहुत ही बड़े साइज की आरसी ट्रैक्टर में अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। इस ट्रैक्टर को यार मैं 6 महीने से ढूंढ रहा था, अब जाकर मेरे को ये ट्रैक्टर मिली है। इसके व्हील्स का साइज देखो, बहुत ही ज्यादा बड़ा दे रखा है, जैसे कि रियल ट्रैक्टर में होता है। आज इसकी मैं फाइट कराने वाला हूँ। ये देखो यार, ये है एक मिनी ट्रैक्टर, इसका जो कलर है रेड है। और एक ये ट्रक देखो यार, इसका साइज कितना ज्यादा बड़ा है। आज बड़ा ही मजा आने वाला है दोस्तों इन तीनों की फाइट कराने पर। पहले चलो इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर कराते हैं इसकी टेस्टिंग एंड फाइटिंग। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर आपको एक बैग दिखाई देगा। बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अंदर काफी यूनिक फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि देख सकते हो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट है, हॉर्न साउंड भी मिल जाता है, डेमो फंक्शन मिल जाता है, सिमुलेटेड लाइट्स भी मिल जाते हैं। तो मैं यहां से ओपन कर देता हूं। ये देखो यार, बॉक्स को मैंने ओपन कर दिया है। अभी अपने ट्रैक्टर को जो है यहां से निकाल लेते हैं बाहर। ओ भाई, सच में यार काफी बड़े साइज का ट्रैक्टर है ये। ये निकाल लेते हैं ट्रैक्टर को यहाँ से। ये देखो यार, क्या ही बड़े बड़े व्हील्स दे रखे हैं इसके अंदर। तो गाइस, आज भी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, यार आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट कार का नाम क्या है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जो भी कमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं उनको हार्ट भी दूंगा और नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है उनको शाउट आउट भी दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो ट्रैक्टर तो मैंने निकाल ली है। ये रहा इसका रिमोट, ठीक ठाक क्वालिटी का रिमोट लग रहा है, पूरा का पूरा ग्रीन कलर का। यहाँ पे बहुत सारे इसके अंदर बटन साइड ट्रिगर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं इसके साथ और क्या क्या है। अच्छा, तो इसकी बैटरी पीछे की तरफ यहाँ पर लगी हुई है। बैटरी भी मैं निकाल लेता हूँ। बैटरी भी यहीं पर है, चार्जर भी यहीं पर है। इसके अंदर NICD 6 वोल्ट 700 mAh की बैटरी मिल जाती है और बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर भी मिल जाता है। व्हील्स देखो यार, सच बताऊं तो मेरे को अच्छे लगे नहीं गाइस, क्योंकि व्हील्स जो है इन लोगों ने थोड़े से हार्ड दे रखे हैं यार। थोड़े से सॉफ्ट व्हील्स दे देते तो इसकी ग्रिप काफी बढ़िया हो जाती है यार ऑफ रोड में। इसको मैं इस तरफ घुमा रहा हूं तो ये जो व्हील है पीछे की तरफ घूम रहा है, इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर बहुत ही तगड़ी वाली मोटर दे रखी है। मेरे को ऐसा लग रहा है, यहाँ पे इसका नाम लिखा है डबल ई बोलकर। सामने की तरफ देखो यार, डिजाइन बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है इसका। यहाँ पर लाइट्स है शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ दोस्तों, 2 LED लाइट सामने की ओर दे रखा है। यहाँ पर एक एंटी कोलिजन बम्पर की तरह यह रिएक्ट करता है और इसका ये टूल बॉक्स भी है। बिल्ड क्वालिटी है ना यार, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। जिस तरह के रियल ट्रैक्टर्स होते हैं गाइस, उसी तरह की इसकी बिल्ड क्वालिटी बनाई गई है। इसको भी बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है। यहाँ पर देखो यार, साइड मिरर से आप चाहे तो इस मिरर को पूरी तरीके से क्लोज भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर देखो यार, एक हुक भी दे रखा है ताकि अपन इसके पीछे एक ट्रेलर भी अटैच कर सके। ट्रेलर भी मैं एक दिन जरूर खरीदूंगा गाइस। फिलहाल ट्रैक्टर को रखते हैं साइड में, अभी फटाफट से अनबॉक्स करते हैं अपने ट्रांसफॉर्मर बहुत ही बड़े वाले ट्रक को। बॉक्स करके बता देता हूँ, इस तरफ से मैं ट्रक को निकाल लेता हूँ। इसके अंदर भी देखो यार, ट्रैक्टर के अंदर जिस तरह की बैटरी थी इसके अंदर भी उसी तरह की बैटरी मिल जाती है, पर बैटरी की जो पावर है थोड़ी सी कम दे रखी है इसके अंदर। ये आ गया गाइस अपना ट्रक बाहर। देखो यार, एकदम चमचमाता हुआ रेड कलर का ट्रक। सामने इसके ग्राफिटी तो देखो यार, क्या ही कमाल का डिजाइन वगैरह बना रखा है। पूरी तरीके से ये एक ट्रांसफॉर्मर ट्रक है। इसके साथ अपने को मिलता है जायरो सेंसर वाला रिमोट, बड़ा ही कमाल का रिमोट होता है। मैं इसको चलाऊंगा तो आप देखकर हैरान रह जाओगे गाइस। आगे अपना एक और फार्म ट्रैक्टर, इसका जो कलर है ना बहुत ही ज्यादा यूनिक है। रेड कलर का एक ट्रैक्टर है अपने पास, ग्रीन कलर का दूसरा वाला ट्रैक्टर है। अगर इन दोनों को मैं आपको साइड बाय साइड रख के कंपेयर करके बताऊं तो देखो यार, कितना ज्यादा फर्क है दोनों के अंदर। ये ट्रैक्टर का साइज जो है 1:16 है, इसका भी 1:16 है, पर इसका साइज बहुत ही बड़ा बना रखा है इन लोगों ने। व्हील्स की क्वालिटी देखो यार, दोनों के अंदर रबर के व्हील्स नहीं मिलते हैं गाइस, बहुत ही हार्ड व्हील्स मिल जाते हैं दोनों के अंदर। चलो गाइस, अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं तीनों के बीच में फाइट। लेट्स गो। दोस्तों मैं आ चुका हूं बाहर। सबसे पहले ग्रीन ट्रैक्टर को यहाँ पर टेस्ट करने वाले। मेरे को लगता है इसके ऑन ऑफ स्विच में कुछ तो दिक्कत है यार, ये सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर से एक बार प्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो ऑन हो चुकी है अपनी ट्रैक्टर। एक बार इसका साउंड तो सुनो गाइस, कितना ज्यादा लाउड दे रखा है। यहाँ पर इसके अंदर डेमो का भी बटन दिया हुआ है। इसको मैंने जैसे ही प्रेस किया, ट्रैक्टर देखो यार अपने आप ऑटोमेटिक चलने लगी है। मैनुअली अभी इसको कंट्रोल करके देख लेते हैं। रिमोट की क्वालिटी ठीक ठाक ही लगी मेरे को, उतना बेस्ट है नहीं, पर कंट्रोलिंग जो है ट्रैक्टर की बहुत ही ज्यादा अच्छी दी हुई है। काफी अच्छी तरीके से रोड पर ये चल रही है, पर इसकी स्पीड जो है ना गाइस मेरे को थोड़ी सी कम लग रही है यार। अभी टच करते हैं रेड कलर की ट्रैक्टर को। अगर मैं आपको सच बताऊं तो गाइस, इसकी जो कंट्रोलिंग है ना ग्रीन कलर की ट्रैक्टर से भी अच्छी दी गई है। इसको चलाने में बड़ा मजा आता है। अभी टच करते हैं अपनी ट्रांसपोर्टर ट्रक को। ये देखो यार, इसको चलाने का जो एक्सपीरियंस है ना गाइस, अलग लेवल का होता है। ऐसा लग रहा है कि गाइस मैं कोई रियल ट्रक चला रहा हूं, इतना ज्यादा मजा आता है गाइस इसको चलाने में। कंट्रोलिंग मेरे को तीनों में से ट्रक की बहुत ही गजब लगी।
इन दोनों ट्रैक्टर्स के बीच में रेस लगा के भी देख लेते हैं गाइस, कौन सा ट्रैक्टर इस रेस को जीत पाता है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो दोनों ही ट्रैक्टर जो है बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहे हैं। जिस तरह के रियल ट्रैक्टर चलते हैं स्लो, ये भी उसी तरह से स्लो चल रहे हैं। पर अपना रेड कलर का महिंद्रा ट्रैक्टर देखो यार, क्या ही स्पीड दी गई है इसके अंदर। मेरे को लग रहा है कि इसकी टॉप स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है बड़ी आराम से। वहीं दूसरी तरफ अपने ग्रीन कलर का ट्रैक्टर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ही दी गई है, बहुत ही स्लो चल रहा है गाइस। ये ट्रैक्टर क्लियरली अपना रेड ट्रैक्टर जीत चुका है रेस को। अभी कराते हैं दोनों के बीच में पुशबैक, देखते हैं गाइस अभी कौन जीत पाता है। ग्रीन कलर का ट्रैक्टर देखो यार, पूरी पावर लगा चुका है इस बार जीतने के लिए। यहां पर रेड कलर का ट्रैक्टर भी कुछ कम नहीं है, व्हीली मारकर ग्रीन कलर के ट्रैक्टर को खींचने की कोशिश कर रहा है। पर ग्रीन कलर का ट्रैक्टर बड़े व्हील्स होने के कारण, साइज बड़ा होने के कारण, मोटर बड़ी होने के कारण काफी आसानी से पुशबैक में रेड कलर के ट्रैक्टर को हरा चुका है क्लियरली। गाइस अभी इन दोनों के बीच में पुशबैक करा के देख लेते हैं इस बार कौन जीता, ट्रांसपोर्टर ट्रक या फिर अपना ट्रैक्टर। जोरदार टक्कर मारी है ट्रैक्टर ने ट्रांसपोर्टर ट्रक को, देख सकते हो यार। मेरे को ऐसा लगा कि ये टूट ही जाएगा भाई साहब। अभी देखो यार यहाँ पे ग्रीन कलर के ट्रैक्टर के अंदर आ चुकी है एकदम से पावर। ये किस तरह से पीछे टकर रहा है, देखो ट्रांसपोर्टर ट्रक यहाँ पे पूरी तरीके से पिचक चुका है, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर हरा के रख दिया है यार अपने ट्रैक्टर ने ट्रांसपोर्टर ट्रक को। अभी ऑफ रोड में इन दोनों के बीच में रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीता है। ट्रांसपोर्टर ट्रक अभी से ही देखो यार मिट्टी के अंदर फंस चुका था, थोड़ा पावर बढ़ा के मैंने इसको आगे की तरफ निकाल लिया है। ट्रैक्टर काफी ज्यादा आगे निकल चुका था पर देखो यार इसको ओवरटेक कर दिया है अपने ट्रांसपोर्टर ट्रक ने। क्या ही स्पीड से चल रहा है, इसकी टॉप स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। ट्रैक्टर देखो यार बहुत ही धीरे धीरे कछुए की तरह चलते हुए जा रहा है आगे की तरफ। देखो यार अपना ट्रांसपोर्टर ट्रक पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर फंस चुका है। वापस इसी बात का फायदा उठाते हुए ट्रैक्टर आगे निकल चुका है। ट्रैक्टर के व्हील्स बड़े होने के कारण ये मिट्टी में से भी काफी आराम से निकल चुका है, तो रेस को जीत चुका है अपना ट्रैक्टर। ओके गाइस अभी लुक्स की बात करते हैं। अपना ये जो ग्रीन कलर का ट्रैक्टर है ये एक मॉडर्न ट्रैक्टर है, ज्यादातर इसका जो डिजाइन है ना यार जॉन डीरी ट्रैक्टर से लिया गया है। लोगों ने मेरे को बहुत ज्यादा पूछा है कि गाइस इस ट्रैक्टर को मैंने कहां से खरीदा है। ओके ये जो रेड कलर का ट्रैक्टर है ना यार इसके लुक्स बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है। अपने इंडिया में जो महिंद्रा के ट्रैक्टर्स होते हैं ना गाइस उसी तरह का इसका लुक बनाया गया है, बहुत ही फैंटास्टिक दिखता है जब ये रोड पर चलता है। ओके जहां तक इस ट्रक की बात करूं यार, इस ट्रक का लुक जो है ना अलग लेवल का बनाया गया है। सामने की तरफ देखो यार क्रोम फिनिशिंग क्या मस्त दी गई। इन तीनों में से अगर मैं मेरी बात करूं तो गाइस मेरे को ट्रक का लुक और इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा ओपी लगता है। इन दोनों ट्रैक्टर्स के बीच में रेंज टेस्ट भी करके देख लेते हैं। एकदम खुली रोड है, देखते हैं कितनी दूर तक दोनों ट्रैक्टर्स जा पाते हैं। रेड कलर की ट्रैक्टर का 27 मेगाहर्ट्ज़ का रिमोट है, ग्रीन कलर की ट्रैक्टर का 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो रेड कलर का ट्रैक्टर रुक चुका है, ग्रीन कलर का ट्रैक्टर अभी भी चल रहा है। ग्रीन कलर के ट्रैक्टर का जो रेंज है ना बहुत ही ज्यादा दिया हुआ है क्योंकि ये एक मॉडर्न ट्रैक्टर है। क्लियरली ग्रीन कलर का ट्रैक्टर रेंज में जीत चुका है। ओके अभी ग्रीन कलर के ट्रैक्टर के करेंगे वाटर टेस्ट एंड मड टेस्ट, देखते हैं ये पानी में से निकल पाता है या नहीं। यहाँ पर बहुत ज्यादा कीचड़ भी है गाइस, देख सकते हो प्लास्टिक का व्हील होने के कारण इसका जो व्हील है यहाँ पर फिसल रहा है। अगर रबर का व्हील होता तो यार काफी अच्छी तरीके से ग्रिप बनाकर पानी के अंदर से निकल जाता। ठीक है अभी ये रेड कलर के ट्रैक्टर को भी चला के देख लेते हैं ये पानी में से निकल पाता है या नहीं। इसके तो व्हील्स यार बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, ये बिल्कुल भी आगे मूव नहीं कर पा रहा है, पूरी तरीके से पानी में फंस चुका है, कीचड़ में फंस चुका है। दोनों ही ट्रैक्टर वाटर में चलने के मामले में फेल हो चुके हैं। गाइस फाइनल में आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको रेड कलर का महिंद्रा ट्रैक्टर पसंद आया या फिर ग्रीन कलर का जॉन डीरी मॉडर्न ट्रैक्टर पसंद आया, नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी कभी। चलो गाइस मैं अभी दे देता हूं शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है एहसान कामल, सामर्थ नायक, अभिजीत, रोहन, अर्नब, देव शर्मा, नसीर, राहिल, सुगंध कुमार, उमंग। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।